लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कैसे भारत अपने पुराने T-72 टैंक्स को अपग्रेड कर रहा है एक नए हाइब्रिड टैंक में जिसका नाम है अथर्व। अब इस बार हम बात करेंगे T-90 के अपग्रेड की। T-90 टैंक्स के अपग्रेड का मतलब है बेहतर आर्मर प्रोटेक्शन और बेहतर फायर पावर, पर अगर आप इनमें से कुछ भी ऐड करते हैं तो इसका मतलब है कि आप वेट भी ऐड कर रहे हैं। इसी दिशा में सोचते हुए आर्मी T-90 के एग्जिस्टिंग इंजन को, जो कि 1000 हॉर्स पावर के इंजन है, इसे रिप्लेस कर सकती है DRDO द्वारा डेवलप किए गए डेट्रेन इंजन से। 1500 हॉर्स पावर के इंजन होने वाले डेट्रेन इंजन अभी टेस्टिंग फेज में है और इसको एक्चुअली डेवलप किया जा रहा था फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक प्रोग्राम के लिए। इसका मतलब है कि हमारे फ्यूचर मेन बैटल टैंक्स इस इंजन को यूज़ करेंगे। अब देखिए, मेरी राय में ये एक बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से तेजस मार्क 2 और मार्क 1 ने काबिल एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ आमका के लिए एक टेस्ट बेड का काम कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे फ्यूचर टैंक्स में जाने वाली टेक्नोलॉजी को एग्जिस्टिंग टैंक्स पर हम टेस्ट कर सकते हैं। इससे एग्जिस्टिंग टैंक्स को एक अपग्रेड भी मिलेगा